स्टेटस को और बेटर करने के लिए, आपकी प्लानिंग को, आपके रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल ये आपका ही है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, मुझे पता चले कि आपके मन में क्या आ रहा है। तो आज का ये वीडियो है एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर। कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमें करनी हो तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना, एसेट क्या है हमारे, लायबिलिटी क्या है हमारी। बट बिफोर गोइंग अहेड, एसेट कहते किसे है? वैसे तो बोला जाए तो दीज आर द आइटम पोजेस्ड बाय अ बिजनेस और इंडिविजुअल दैट विल प्रोवाइड इट बेनिफिट्स इन फ्यूचर। यानी ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में आगे चल के बेनिफिट प्रोवाइड करे, फायदा दे, हिंदी में बोले तो। एसेट्स आर व्हाट अ बिजनेस ओन्स, यानी व्हाट आर रिसोर्सेज यू ओन, ये एसेट है। कई चीजें हमें लगता है हमारे पास एसेट है लेकिन वो एसेट नहीं होती। जनरली एक एसेट की हम बात करते हैं तो हमें लगता है हमारे पास जो जो चीजें हैं वो एसेट है, हमारी कार हमारी एसेट है। नहीं जी, एसेट नहीं है वो आपकी लायबिलिटी है। कार आप रखते हो तो इंश्योरेंस आपको साल में पे करना पड़ेगा, पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यार चलते हैं तो पेट्रोल तो लगेगा ही, खर्चा तो लगेगा, ठीक है। वो अगर आप कार नहीं होता तो भी आप हायर करके जाते तो भी आप खर्चा करते। कार आप शोरूम से लेके आए, 20 लाख की कार आपने खरीदी, शोरूम से बाहर निकलते ही आप उसे 18 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकते हो, भी तब जब आपकी किस्मत अच्छी है तो 18 का बिकेगा, नहीं तो 16 से ज्यादा नहीं बिकता, वो आपके एसेट नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आप पहले से बड़ी अप्रिसिएटेड है और आपने उस पर हाथ डाल दी और पता चल रहा है कि आपने बैंक का लोन ले रखा है, 4-5 साल आपने लोन पे किया और फिर देखा तो पता चला जो मूलधन है उसका, यू नो एक्चुअल द अमाउंट यू नो जो आपने बैंक से ली वो उतना ही पड़ा हुआ, उसमें 2-4 लाख की कमी आई जबकि आपने 1 करोड़ के आसपास का ईएमआई पे कर दिया, और वो एप्रिसिएट नहीं कर रहा है तो वो भी एक तरह से लायबिलिटी ही है, एसेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटी क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर आपके लिए सजेशन क्या होगा उस पर बात की जाएगी। लायबिलिटी है द आइटम्स दैट आर ऑब्लिगेशंस फॉर अ बिजनेस और इंडिविजुअल, यानी आपके ऊपर वो भार है, आप उधार हैं, आपको हर महीने कुछ पे करना है किसी को, आपको ईयर एंडिंग तक वो चुकाना है, वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद एसेट, लायबिलिटी रिफर टू थिंग्स दैट यू ओ और हैव बोरोड, वो लायबिलिटी है। अब एसेट्स और लायबिलिटी को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये बिफोर गोइंग फॉर एनी फाइनेंशियल प्लानिंग यू मस्ट नो क्लियरली व्हाट आर एसेट्स व्हाट आर लायबिलिटीज, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं अपनी लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने फाइनेंस में डिग्री ली है, मैं पर्सनल अपने लाइफ सबसे बड़ा आपको पता है टीचर होता है। तो एसेट्स आइटम्स हो सकते हैं, जो आर्टिकल्स हो सकते हैं आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, और इंटेंजिबल चीजें भी हो जाती हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंटेंजिबल है, टेंजिबल जो चीजें आप छू सकते हो। लायबिलिटीज होती हैं डेट्स, यानी कर्जे आपके जो आप दूसरे पार्टी को आपको देना है। एसेट्स आप ओन करते हो, और लायबिलिटी क्या होती है, कैन बी यूज टू परचेज एसेट्स। आपने कुछ कर्जा ले लिया और आपने एसेट खरीदने के लिए ले लिया, वो आपकी कर्जा आपकी लायबिलिटी बन गई। एसेट्स क्या करता है, आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, जनरेट रेवेन्यूज फॉर द बिजनेस। और लायबिलिटी क्या करती है, मे हेल्प बिजनेस फाइनेंस बिजनेस ऑपरेशन। लायबिलिटी आपकी कई बार फाइनेंस बिजनेस ऑपरेशन को हेल्प करती है। जैसे मैंने एक ओडी अकाउंट खुलवा ली, एक लिमिट बनवा ली, तो वो मेरी लायबिलिटी तो हो गई लेकिन वो मुझे बिजनेस को हेल्प करने में, ऑपरेट करने में, कैपेक्स और ओपेक्स जनरेट करने में, मैं खर्चा कर रहा हूं उसको। तो वो कई बार लायबिलिटी भी जरूरी होती है, तो आपको डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। एसेट्स के बारे में बात करें तो प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस, और उसके बाद लायबिलिटी की बात करें, दे आर देन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, ये एक्सपेंशन होती है बिजनेस की। टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल लायबिलिटीज क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स में आते हैं या नॉन टेंजिबल में, आप देखना अपने आप, मैं इसमें बताता रहूंगा क्या टेंजिबल है क्या नॉन टेंजिबल है। कैश टेंजिबल है, आपके पास गिन सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्डिंग टेंजिबल्स है, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश, इक्विपमेंट, अकाउंट रिसोर्सेस, मशीनरीज, इन्वेंट्रीज, व्हीकल भी कई कई बार हमारे लिए एसेट का काम करती हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए
एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें व्हीकल यूज करना है और वो उससे हम पैसे जनरेट कर रहे हैं। मान लो एक एक बंदा है जो अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाता है, जो बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाता है, तो उसके लिए उसकी व्हीकल, उसका वैन एक एसेट है क्योंकि उससे वो पैसा बनाता है। आपकी कार एसेट नहीं है, आपकी कार आप पे लाइबिलिटी है। हो सकता है आप उसे एक प्राइमरी कार को मान सकते हैं कि मेरा एसेट है क्योंकि मैं उसे ट्रैवल करता हूं और जब ट्रैवल करूंगा तभी तो पैसे बनाऊंगा, तो आप कह सकते हैं। मतलब बहुत क्लियर आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। आप कितने एसेट्स ओन करते हो, कितनी लाइबिलिटी ओन करते हो। लाइबिलिटी में आप बात कर सकते हैं लोन्स है आपकी, टैक्स पेबल है आपका, टैक्स पेबल भी आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड आपकी लाइबिलिटी है, यूटिलिटीज पेबल आपकी लाइबिलिटीज है, डिविडेंड पेबल आपकी लाइबिलिटी अगर आप बड़ी कंपनी में काम चला रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी आपको जानना जरूरी है। और लाइबिलिटी और एसेट्स को आपको लेके चलना पड़ेगा। लाइबिलिटीज से चीजें आप खिसका के एसेट्स की तरफ लेके आइए, डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। अब आ जाते हैं एसेट्स वर्सेज लाइबिलिटी के कुछ और डेफिनेशंस। पर्पस क्या होता है? एसेट्स हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू। एसेट्स दे आर बेसिकली हेल्पिंग यू इन जनरेटिंग रेवेन्यूज। लाइबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट अ कंपनी बोरोड और हैव टू पे। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जो कंपनी बोरो करती है और उसे पे करना होता है। तो पर्पस क्या होता है? पर्पस हेल्प इन जनरेटिंग रेवेन्यू एसेट का होता है। और ऑब्लिगेशंस क्या, यानी लाइबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट अ कंपनी नीड टू और इंडिविजुअल नीड टू पे। टाइप क्या होते हैं? फिक्स एसेट और करेंट एसेट्स होते हैं। और लाइबिलिटी में टाइप्स क्या होती हैं? करेंट लाइबिलिटी और फ्यूचर लाइबिलिटीज होती हैं। करेंट लाइबिलिटीज और फ्यूचर लाइबिलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसेट्स में मशीनरी, लैंड, गुडविल। गुडविल भी आपका एक एसेट है। आप कई बार कंपनी एक्विजिशन में जाइए, आपकी गुडविल के आपको पैसे मिलते हैं, वो भी आपका एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल कि कितने पैसे आपके आने हैं। आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके आपके जो मार्केट में वेंडर्स हैं उनसे आपको पैसे आने वाले हैं, तो वो आपकी आपके एसेट हो गए। और उसके बाद एग्जांपल हम बात करते हैं लायबिलिटी की, तो अकाउंट पेबल, लोन, टैक्स पेबल, ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। डेप्रिसिएशन कैसे होता है दोनों में? डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। आप सोचोगे यार टेंजिबल यानी फिक्स्ड एसेट जो आपके हैं वो गोल्ड है, वो क्या है? गोल्ड आपका जो एसेट है वो डेप्रिसिएबल है? नहीं जी, गोल्ड एप्रिसिएबल है। तो कुछ एग्जांपल को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम एसेट जो होते हैं वो डेप्रिसिएबल होते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज और नॉन डेप्रिसिएबल्स कुछ कह सकते हो आप। इंटरेस्ट बढ़ता गया, इंटरेस्ट रेट आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले लिया है और आगे बढ़ता गया तो वो आप कह सकते हैं वहां पे बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एसेट्स को हम कहते हैं लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स जो होती है आपकी वो लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी को मिला के बनती है। और लाइबिलिटी क्या हो गई? टोटल एसेट माइनस ओनर्स इक्विटी। कैश फ्लो क्या, कैश फ्लो के आगे अगर हम देखें, एसेट्स कैश फ्लो कौन कराता है ये देखते हैं। एसेट्स रिजल्ट इन टू इनफ्लो ऑफ कैश। एसेट्स आपके इनफ्लो ऑफ कैश को बढ़ाता है एंड इंक्रीज कैश बैलेंस, आपके कैश बैलेंस को बढ़ाता है। लाइबिलिटी क्या कहती है? लाइबिलिटी इज रिजल्ट्स आउटफ्लो ऑफ कैश एंड डिक्रीज कैश बैलेंस, आपके कैश बैलेंस को लाइबिलिटीज कम करता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो में आपने पूरे एसेट और लाइबिलिटीज को समझ लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।